आज चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र की सराय मुचकावा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट मुन्नीलाल यादव ने किया। कार्यक्रम के आयोजक चुन्नीलाल यादव रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष मुन्नीलाल यादव एडवोकेट ने कहा कि नौजवान ही देश के भविष्य है। वर्तमान सरकार नौजवानों के साथ घोर अन्याय कर रही है। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। 2022 में यही नौजवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर यूपी में बेरोजगारी को खत्म करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे। बाबू बिशनपुर की टीम और देवरिया की टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए बाबू बिशनपुर की टीम ने 146 रन बनाया। देवरिया की टीम ने 94 रन बनाया, जिसमें बाबू बिशनपुर की टीम 52 रन से हराकर विजेता हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष शत्रुजीत त्रिपाठी, प्रधान अशोक धर दुबे, चुन्नीलाल यादव, शशि भूषण शर्मा, आलोक दुबे, आनंद धर दुबे, प्रिंस चौधरी, शुभम चौधरी, जावेद खान, अजीज अहमद, अक्रम अली, मुकेश चौधरी, आदित्य चौधरी, दीपक चौधरी, आनंद दुबे, नीतीश चौधरी, पप्पू शर्मा, कमलेश चौधरी, सैफुद्दीन अहमद, हरिशंकर यादव, बिहारी यादव, रामा प्रसाद इत्यादि लोगों